हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल घूम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा गोपाल। क्यों रो रहा है, चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू, मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं, इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है, चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो, हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे, दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी, पैसों से क्या नहीं मिलता। पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती, जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। यही कलयुग है, यहां सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त, यहां दाता भी याचक बनता है।
दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक एक। अरे उर्मिला, तुम कहां चली गई थी? आप ये दूध कहां से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला, हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है, वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे, और तुमने ऐसा गलत काम किया। उर्मिला, हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते हैं उर्मिला, कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है, ये रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना, इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक माँ को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो, एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक, कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। तुम तो दया के सागर हो, इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद। हवलदार साहब,
हवलदार साहब, दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं, उसे भूख लगेगी, वो रोएगा चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे छोड़ दो। हवलदार साहब, हवलदार साहब। मेरे बेटे, लो बेटा, बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो, और सुनो यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा इससे खेलो, मेरे बच्चे माँ की याद आ रही है, आएगी बेटा, माँ भी आएगी बेटा, पर मेरे बच्चे तब तक तुम यही खेलो। मेरे बच्चे गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे, लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, 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 आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं, और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं। किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा। उर्मिला, तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो, तुम्हारी लीला।
आगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा घूम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं नहीं, यहाँ किसी का बच्चा घूम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? मां और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों, किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। मां से बच्चे को और बेटे को उसकी मां से अलग मत करो। दामू ना, सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए, मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। मां गुर्रा रहे हो मालिक, मां तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? मां तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली माँ को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब माँ को पुकारता है तो माँ कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। माँ
माँ के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक माँ रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद, इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना? देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया, और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना? जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। बहन, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है, और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है, जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज आज उसी का स्वाद चखा कर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं, और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक, ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। अरे ये लो बेटा, हाँ रोते नहीं, चुप हो जाओ। बस देखिए, हाँ, कितना रो रहा है ये, अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ, ये देखो, ये ले 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 ले। गोपाल, गोपाल, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है।
देखकर रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जाओ मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिचुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिचुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है। अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका, इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला बस। साईं बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा बेटा गोपाल जहां भी हो उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला सुना तुमने मालिक, माँ के दिल की पुकार सुनी तुमने, माँ की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो माँ के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। माँ तो तुम्हारा ही रूप है और शायद इसीलिए मां कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा। एक मां के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा। आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा। बाबा, गोपाल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, 24 शंकर निवास राय बहादुर मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद, बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा, प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है, यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला, यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे, मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप क्या देख रहे हैं? सगुड़ू, एक मां का प्यार देख रहा हूं, देख रहा हूं और सोच रहा हूं, मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां
सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना, इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती है, सिर्फ देना जानती है, इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती है। इसीलिए तो मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है, अपने दुख का कभी नहीं सोचती, जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है मां, तू धन्य है, जिनकी मां है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब है। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन मां आती है। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। मां, मां तेरी ममता को प्रणाम।